वैभव भैया के लिए तो यही कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जोधपुर के अंदर आने वाले टाइम में अगर वैभव भैया जोधपुर के युवराज इस जोधपुर के इस ग्राउंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मैच भी करवाएंगे और हम सबकी भावना जुड़ी हुई है उनके साथ और वो हमारी भावनाओं की कदर करते हैं और हम एक एक कार्यकर्ताओं की और जोधपुर के हर व्यक्ति की वो एक कदर करते हैं और उनकी भावना को समझते हैं। वैभव भैया जोधपुर के हर व्यक्ति की जो भावना है वो आज इस ग्राउंड से बहुत जुड़ी हुई है। आज उस भावनाओं को भैया ने संपूर्ण अपने अंदर उतार के और आज एक अंतर्राष्ट्रीय मैच करवाने की एक घोषणा कराई और आज कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं इस ग्राउंड को अगर किन्होंने बनाया है वैसा आज अभी तक हाल ही में राजस्थान के अंदर सेकंड ग्राउंड खेला जाता है और हमें ऐसा लगता है कि युवराज इस ग्राउंड के अंदर बहुत जल्द एक अंतर्राष्ट्रीय मैच भी लेके आएंगे और IPL भी होगा। हमें पूरा विश्वास है वैभव भैया के ऊपर और वैभव भैया के ऊपर संपूर्ण हमें विश्वास है वो आने वाले टाइम में इस जोधपुर की जो दिशा है ना वो ही सुधारेंगे और वो यहाँ के हमारे युवराज हैं और हमेशा रहेंगे युवराज और हम उनको हमेशा एक युवराज के तौर पर देखते हैं। वो हमारे और हम उनको एक लीडर और एक युवराज के तौर पर देखते हैं और आज जो उन्होंने ये जो कर दिखाया है ना इस जोधपुर के अंदर अभी तक माननीय मुख्यमंत्री के बाद के अंदर किसी ने अगर जोधपुर कोई दशा सुधारी है वो एकमात्र है वो है वैभव गहलोत। और वैभव भैया मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस ग्राउंड के अंदर मैं आपसे वादा करता हूँ एक कांग्रेस के